गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रवि प्रकाश त्रिपाठी वुशु कोट होस्टेड एट एनआईएस पटियाला एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस पेज हु इज क्रिएटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया. आज मेरा टॉपिक हैंड फॉर्म और हैंड टेक्निक है. जैसे कि कोई इमारत बनाने से पहले, कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव रखनी जरूरी होती है. अगर नींव एक बार सही तरीके से पड़ जाए, फाउंडेशन सही तरीके से बन जाए, तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी आसान हो जाती है. वैसे ही बेसिक्स अगर ताल्लुक के हम सही तरीके से अपने बच्चों में डेवलप करा दें, उनके ऊपर बेसिक्स के ऊपर मेहनत कर लें, तो हमें इवेंट डेवलप करने में आसानी रहती है. तो उसी की कड़ी में मैं आज आपके सामने अपना ये टॉपिक लेकर के आया हूं. नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन रिलेटेड टू माई टॉपिक्स. ताउलू के बेसिक्स हैंड फॉर्म्स, हैंड टेक्निक, लेग टेक्निक, स्टांसेस, फुटवर्क आदि होते हैं, जो कि एक फंडामेंटल मूवमेंट्स को डेवलप करते हैं बच्चों में. और बीइंग अ कोच आपको ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जब तक हम बेसिक्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, हम सही तरीके से ताउलू को डेवलप नहीं कर सकते. किसी भी फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए कुछ व्यवस्थित तरीके होते हैं, कुछ सिस्टमैटिक वे होता है, एक साइंटिफिक वे होता है, जिसकी जिसके द्वारा एक कोच को अपने प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए. जैसे स्टैंडिंग पोजीशन हो गई, मूवमेंट एनालिसिस हो गई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि याद रखने योग्य होते हैं, डेवलपमेंटल एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जिसके द्वारा हम उन फॉर्म्स को डेवलप करते हैं, उन एक्सरसाइजेस के द्वारा अपने बेसिक्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो मसल्स ग्रुप जो उस मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जरूरी होती है. तो एक कोच को इन सब चीजों के विषय में जानना जरूरी होता है. कोच के साथ साथ प्लेयर को भी इस बात की अगर नॉलेज हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और नहीं तो एटलीस्ट जो हमारे यंगस्टर्स कोचेज हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है. तो मैं शुरू करता हूँ. हैंड फॉर्म छुआन, छुआन चाइनीज वर्ड है, जिसे हम इंग्लिश में पंच या फिस्ट कहते हैं. इसको करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ. स्टैंडिंग पोजीशन, प्लेयर विल स्टैंड इन अ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन. स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन वो साम्यावस्था की पोजीशन होती है जिसमें प्लेयर सीधा खड़ा होता है, दोनों हाथ साइडों में चिपके होते हैं, पैर सीधे होते हैं, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होता है. मूवमेंट एनालिसिस, मूवमेंट को करने का तरीका, फोर फिंगर्स क्लेंच्ड विद द फेस ऑफ फ्लैट फिस्ट फ्लैट, थंब प्रेस्ड ऑन द सेकंड फैलेंजेस ऑन द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर. सबसे पहले प्लेयर अपने पंच अपने हाथ को शोल्डर लेवल पर उठाता है और चारों फिंगर्स को फोल्ड करने की कोशिश करता है. कैसे फोल्ड करता है? फिंगर्स में दो फोल्ड होते हैं, दो ज्वाइंट होते हैं. पहले ज्वाइंट को फोल्ड करना, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर दूसरे ज्वाइंट को फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दबाना, जिससे कि हमारा पंच थोड़ा सा टाइट हो जाता है. उसके बाद फिर थम्स को मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के ऊपर प्रेस करना. ये इस मूवमेंट को करने का सिंपल सहज तरीका है. इस मूवमेंट को करते हुए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? फ्रंट प्लेन शुड बी इवन. जब हम पंच बना रहे हैं, जब हम फिस्ट बनाते हैं, तो हमारे सामने जो नकल होता है वो समान होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इवन होना चाहिए, उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए. अगर असमानता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमारी कोई फिंगर लूज रह गई है, ढीली रह गई है. इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए जब हमारे कोचेस पंच की प्रैक्टिस करवाते हैं. द फिस्ट शुड बी टाइट. अगर पहला फोल्ड दूसरा फोल्ड टाइट है और थंब हमारे मिडिल और इंडेक्स फिंगर को सही तरीके से दबा रही है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा फिस्ट सही तरीके से टाइट है. ये सिचुएशन हमारे प्लेयर्स को, हमारे कोचेस को खास तौर से ध्यान देनी चाहिए जबकि हम पंच बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो.
developmental exercise of this form. Squeezing sponge, tennis ball, finger grip, knuckle push up. Punch को develop करने के लिए बहुत सी exercises हैं, जैसे किसी sponge ball को press करना, हाथों से press करना, tennis ball को finger से दबाने की कोशिश करना, finger grip आती है, जिसको एक device होती है जिसको हाथों से compress करते हैं ताकि हमारे हाथों की strength develop हो सके. Basically हाथों की strength जो हमारी fingers होती हैं, fingers हमारी muscles govern कर रही होती हैं, उनको control कर रही होती हैं. वो muscles group कौन कौन से हैं? Flexor pollicis longus, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus. Being a coach, ये तीन चार चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है कि कोई मूवमेंट जब हो रही है तो उसमें इन्वॉल्व मसल्स कौन कौन सी हैं. अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप उनकी एक्सरसाइज डेवलप करने में आपको आसानी रहेगी. फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, आपकी ये मसल्स फोर आर्म मसल्स में होती है और थंब को गवर्न करती है, थंब के द्वारा होने वाली मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है. फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेसिलिस, ये हमारी हथेली के ऊपर होती है जो कि सुपाइन पोजिशन में जो मसल्स होती हैं उसको कंट्रोल करती हैं. फिंगर्स को बेंड करना, फिंगर्स को अंदर की तरफ क्लिंच कराने का काम बेसिकली यही मसल्स कर रही होती हैं. तो इन मसल्स का स्ट्रेच होना, इनका स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है. फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफुंडस, ये हमारे अपर पोर्शन में रहती हैं, फोर आर्म्स के अपर पोर्शन में रहती हैं. फिंगर्स को सीधा करना, अंदर की तरफ फोल्ड करना, एब्डक्टर प्रोफिलिसिस को कंट्रोल करना, इस मसल्स का काम होता है. तो बेसिकली ये छुआन की मूवमेंट्स हैं. इसको समझने के लिए आपको ये पॉइंट्स पर इन पोजीशन पर आपको अपना वर्कआउट करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ इस तरीके से किसी प्लेयर के फिस्ट को डेवलप करें. नेक्स्ट है आपका पाम, जिसको चाइनीज में चांग कहते हैं. खड़े होने का तरीका, स्टैंडिंग पोजीशन, प्लेयर विल स्टैंड इन अ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन. प्लेयर एक साम्यावस्था की अवस्था में खड़ा होता है, दोनों पैर सीधे होते हैं, हाथ साइडों में चिपके होते हैं और बॉडी पोस्चर सीधा होता है. जब भी हम किसी को ट्रेनिंग करा रहे हैं या क्लास लेने की शुरुआत करते हैं तो प्लेयर्स को हमें स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन में ही खड़ा करना चाहिए ताकि हम जो भी उसको बताना चाहें या सिखाना चाह रहे हैं वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके और समझ करके उस चीज़ को करने की कोशिश कर सके. मूवमेंट एनालिसिस, थंब विल बी टर्न आउटवर्ड और बेंड व्हाइल द अदर फिंगर्स विल बी हेल्ड टुगेदर एंड स्ट्रेच बैकवर्ड. सबसे पहले प्लेयर अपने हाथ को शोल्डर लेवल पर उठाता है और उठाने के साथ अपनी चारों फिंगर्स को पीछे की तरफ खींचता है और चिपका करके रखता है, सीधा रखता है. थंब पीछे की तरफ खींच करके अंदर की तरफ चिपकता है और कोशिश ये रहती है कि पूरा पाम हमारा रिस्ट से बैक पीछे की तरफ खींचा हुआ हो. कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इस मूवमेंट को करते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए और कोच को भी इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जब प्लेयर या कोई बच्चा इस मूवमेंट को कर रहा हो तो कुछ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें. वो कौन कौन सी हैं? फिंगर्स शुड बी हेल्ड टुगेदर, सभी उंगलियां आपस में चिपकी हुई होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए. थंब शुड बी टर्न आउटसाइड, थंब मुड़ करके बाहर की तरफ होना चाहिए और अंदर की तरफ चिपका हुआ होना चाहिए. डेवलपमेंटल एक्सरसाइज ऑफ दिस फॉर्म, पुशिंग द वॉल विद पाम स्ट्रेच, पाम को पूरा स्ट्रेच करके वॉल को प्रेस करना, धक्का मारना ताकि रिस्ट ज्वाइंट की स्ट्रेचबिलिटी भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक्सरसाइज हो, प्लस पाम पीछे की तरफ भी स्ट्रेच हो. इसके साथ कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक ही एक्सरसाइज है, इसकी कई एक्सरसाइजेस हो सकती है, जैसे अपोजिट डिप्स लगाना, पाम पुशअप लगाना आदि. इस मूवमेंट में इन्वॉल्व मसल्स, इस मूवमेंट को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स कौन कौन सी हैं? फ्लेक्सर कार्पी अलरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफुंडस, एडेक्टर पॉलिसिस और पामर एडडोर्सल इंटरेसिक. एडेक्टर पॉलिसिस जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वो मसल्स हैं जो फिंगर्स को आपस में चिपकाने का काम करती हैं, एडक्शन का काम करती हैं. ये छोटी छोटी मसल्स होती हैं जो कि हथेली के बीच में पाई जाती हैं और फिंगर्स को आपस में चिपका कर करके प्रेसफुल्ली इसको एक्टिव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. बाकी मसल्स पीछे की तरफ खींच करके थंब्स को कंट्रोल करने के लिए, पीछे की तरफ स्ट्रेच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं.
नेक्स्ट है आपका हुक, जिसको चाइनीज में कऊ कहते हैं, कऊ। स्टैंडिंग पोजिशन, प्लेयर विल स्टैंड इन ए स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन। प्लेयर एक साम्यावस्था की अवस्था में खड़ा होता है, जिसमें दोनों पैर सीधे होते हैं, चिपके होते हैं, बॉडी पोस्चर सीधा होता है और हाथ दोनों साइडों में स्ट्रेट होते हैं। मूवमेंट एनालिसिस, बेंड रिस्ट विद फोर फिंगर्स एंड थंब हेल्ड टुगेदर। इसमें प्लेयर सबसे पहले अपने हाथ को शोल्डर लेवल पर उठाता है और कलाई से अंदर की तरफ पूरा जितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, उसको फोल्ड करता है, चारों फिंगर्स को आपस में चिपकाता है और थंब को उससे दबा के रखता है। ये मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जैसे कि एक चोंच बन जाती है, चारों फिंगर से और थंब से जैसे एक चोंच टाइप की बन जाती है, उस टाइप से बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, टू नॉट ओवर बैंड द फिंगर्स, फिंगर्स शुड बी क्लोज टूगेदर, आपस में क्लोज रहनी चाहिए फिंगर्स और फिंगर्स बैंड नहीं होनी चाहिए, ओवर बैंड नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर बैंड होते हैं देन देयर इज अ डिडक्शन। तो बीइंग अ कोच आपको ये चीज भी जाननी जरूरी है कि किन गलतियों से कहां पर क्या नुकसान हो सकता है और जिसको नहीं करना है, प्लेयर को बार बार इसी चीज के लिए बार बार टोकना है और उसका डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंटल एक्सरसाइज ऑफ द फॉर्म, प्रैक्टिस विद डंबल। डंबल से जब हम आर्म रिस्ट कर्ल करते हैं तो हम अपने रिस्ट को अंदर की तरफ मूव कराने के लिए उद्यत हो रहे होते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डंबल से हम इसको बार बार रिस्ट कर्ल करें। इसके अलावा भी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में हम हुक बना करके रिस्ट के ऊपर डिप्स लगाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जा सकती है, जिसमें इन्वॉल्व मसल्स हैं फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ एंटीरियर फोरआर्म और एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो कि हमारी अंगूठे को नीचे की तरफ खींच करके फिंगर्स को दबाने के लिए सपोर्टिव होती है। तो जब हम इसके ऊपर, इन मसल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो हमें ये मूवमेंट करने में कठिनाई नहीं होती है और आसानी से हम इस मूवमेंट को डेवलप करा सकते हैं अपने बच्चों में। तीन बेसिक फॉर्म्स होते हैं, पंच, पाम और हुक, जो कि अभी आपने देखा। इसके अलावा जो भी हैंड फॉर्म्स हैं वो इनकी वेरिएशंस में आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ हैंड फॉर्म्स इन ताउलू, बट वी हैव सेलेक्टेड द सम सेलेक्टिव हैंड फॉर्म्स। टाइगर क्लॉ, चाइनीज में इसको हुजाओ कहते हैं। स्टैंडिंग पोजिशन, प्लेयर विल स्टैंड इन अ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन। प्लेयर एक साम्यावस्था की अवस्था में खड़ा होता है, जिसमें दोनों पैर सीधे, बॉडी स्ट्रेट और हाथ साइडों में स्ट्रेट रहते हैं। मूवमेंट एनालिसिस, सेपरेट द फिंगर एंड बेंड देम एट द सेकंड एंड थर्ड जॉइंट एक्सेप्ट द थंब, बेंड द फिंगर्स बैकवर्ड एट द नकल टू एक्सपोज द पाम। सबसे पहले प्लेयर अपने हाथ को शोल्डर लेवल पर उठाता है, फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को अलग अलग करता है और पहले फोल्ड और दूसरे ज्वाइंट, पहला फोल्ड और दूसरा फोल्ड, जो पहला ज्वाइंट है दूसरा फोल्ड है, वो इस तरीके से फोल्ड करता है कि वो हुक बना ले। अगर प्रॉपर फोल्ड होता है तो प्रॉपर हुक बनता है और प्रॉपर हुक बनता है तो एक अच्छा टाइगर क्लॉ बनाने की ये पहली स्टेप है। अंगूठे को बाहर की तरफ निकालते हैं और उसे भी हुक बनाने की कोशिश करते हैं। फिंगर्स सेपरेट होंगी, आपस में चिपकी हुई नहीं होंगी और जो पाम है बाहर की तरफ एक्सपोज होगा, बाहर की तरफ निकाला जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, फिंगर्स शुड बी अपार्ट। फिंगर्स, सभी फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर फिंगर्स अलग अलग नहीं है या हुक नहीं बन रहा है देन देयर इज फॉल्टी टाइगर क्लॉ, इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए जैसा कि बताया गया है। इस टाइगर क्लॉ को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि डंबल कर्ल, रिस्ट कर्ल किया जाता है, टेरा ट्यूब से फिंगर्स में फंसा करके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जाती है। इसके साथ ही साथ जो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में एक्सरसाइज है, टाइगर क्लॉ के ऊपर पुशअप करना, टाइगर क्लॉ के ऊपर बॉडी वेट डालना और होल्ड करने की कोशिश करना, ताकि इन मसल्स को वर्कआउट के लिए रजिस किया सके, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग की जा सके, फिंगर्स को उसके फोल्ड में, हुक बनाने की कंडीशंस में डाला जा सके। इन्वॉल्व मसल्स, फैलेंजस ग्रुप ऑफ मसल्स, रेडियलिस अलरिस, जैसे कि एक एडक्टर पोलिसिस और एबडक्टर पोलिसिस मैंने बताया था, जो कि पाम में मसल्स होती है जो कि इसके एडक्शन और एबडक्शन में
हेल्पफुल होती हैं। अगर फिंगर्स को अपार्ट करना है, खोलना है, तो एबडक्टर ग्रुप एबडक्टर पल्सिस हेल्प करेगी। और रेडलिस अलरिस जो फोर आर्म मसल्स होती हैं फिंगर्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। ये था हमारा हैंड फॉर्म्स। इसके बाद मैं आपको हैंड टेक्निक के ऊपर लेके चलूंगा। हैंड फॉर्म्स के द्वारा जब हम किसी डिफेंसिव और ऑफेंसिव मूवमेंट्स को करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हैंड टेक्निक। हैंड टेक्निक अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग तरीके से की जाती है। चन ग्रुप इवेंट्स में हैंड टेक्निक सॉफ्ट होती है, फास्ट होती है। नन ग्रुप में हैंड टेक्निक हार्ड होती है, जर्की होती है, पावरफुल होती है। ताइची ग्रुप में हैंड टेक्निक स्लो होती है, सॉफ्ट होती है और एम्प्टीनेस लिए हुए होती है, जो ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हैंड टेक्निक फिगर ऑफ एट डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। और आपसे भी कोचेस से एक रिक्वेस्ट है कि इसको देखने की और समझने की कोशिश करें। स्टैंडिंग पोजीशन, प्लेयर विल स्टैंड इन ए स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन, लेग्स विल अपार्ट अप टू द शोल्डर लेवल एंड बॉडी विल बी स्ट्रेट। इसमें प्लेयर स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन में साम्यावस्था की अवस्था में खड़ा होता है, दोनों घुटने शोल्डर लेवल पर खुले होते हैं और बॉडी स्ट्रेट होती है। मूवमेंट एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द टोज, हिप एंड शोल्डर रोटेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग देम। सबसे पहले हमें टो का, हिप का और शोल्डर रोटेशन का कोऑर्डिनेशन समझना होगा। एक बार जब हम टो से हिप का कोऑर्डिनेशन और टो और हिप से शोल्डर का कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें इस मूवमेंट को करने में आसानी होती है। हैंड विल बी डूइंग फ्री मूवमेंट अराउंड द शोल्डर। We move the hand around the shoulder with the help of hip and toes rotation. Our body will move left and right. At this time, both legs, trunk and arm must be straight and both hands should be in opposite to each other during movement. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, toe का hip के साथ और hip का shoulder के साथ coordination, rotation के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट खड़ा सीधा करते हैं, जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड होता है। सबसे पहले टो, हिप और शोल्डर को रोटेट कराते हुए उसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं, जब हम शोल्डर रोटेट कर रहे हैं तो उससे पहले हमारी हिप रोटेट हो और हिप रोटेट से पहले हमारी टो रोटेट हो। तो टो, फिर हिप, फिर शोल्डर, देन हैंड, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ आर्म्स आर रोटेटिंग अराउंड द शोल्डर, hips and toes should rotate before them. एक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब इस मूवमेंट को, इस हैंड टेक्निक को कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दी जाने वाली बात क्या है कि हिप से टो और टो से शोल्डर रोटेट हो। इससे पहले अगर हम शोल्डर रोटेट कर देंगे, हिप रोटेट नहीं किया है, हिप रोटेट कर देंगे, हमने टो रोटेट नहीं किया है, तो हमारी ये मूवमेंट डिफॉल्टेड हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा इसके अंदर। इस टेक्निक को हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बोथ आर्म्स, बोथ नीज एंड ट्रंक मस्ट बी स्ट्रेट। जब ये मूवमेंट हो रही हो तो उस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आर्म्स सीधे हों एल्बो से और रिस्ट से, नीज हमारे सीधे हों, ट्रंक सीधा हो, मतलब अपर टॉर्सो सीधा हो, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट हो। बोथ आर्म्स मस्ट बी इन अपोजिट ड्यूरिंग मूवमेंट। जब भी ये रोटेशन हो रही हो तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हाथ चल रहे हो तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, चाहे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, हाथ का रोटेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चल रहा होता है। डेवलपमेंटल एक्सरसाइज ऑफ द टेक्निक, इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हमको डेवलप करना है। शोल्डर स्ट्रेचिंग,
इस मूवमेंट को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम शोल्डर को प्रॉपरली स्ट्रेच करें ताकि मूवमेंट हमारी फ्री हो जाए, क्योंकि ये टेक्निक जो है चान ग्रुप की टेक्निक है जो कि सॉफ्ट होती है, फास्ट होती है और विग्रस होती है, तो इसलिए हमें शोल्डर की मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ लोअर ग्रुप ऑफ मसल्स, लोअर ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि बॉडी को स्टेबिलिटी देती है, रोटेट कराने के टाइम पर बॉडी को स्ट्रेट रखती है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपनी लोअर बैक मसल्स को प्रॉपरली उसकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें ताकि जो मूवमेंट, एक्चुअल जो मूवमेंट हो रही है शोल्डर से हो रही है, वो उसको सॉफ्ट और फास्ट मूवमेंट करा सके। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेपेजियस ग्रुप ऑफ मसल्स, ये शोल्डर मसल्स हैं जिसको कि आपको प्रॉपरली स्ट्रेंथ भी करनी जरूरी है, फास्ट करने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी होती है, उसको घुमाने के लिए थोड़ी सी पावर की भी जरूरत होती है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी है। इन्वॉल्व मसल्स ग्रुप, ट्रेपेजियस इरेक्टर स्पाइनिक ग्रुप, डेल्टॉइड, लैटिसमस डॉर्सी, इलोस्टेरस। ट्रेपेजियस आपकी शोल्डर मसल्स हैं, इरेक्टर स्पाइनिक ग्रुप आपकी स्पाइन कॉर्ड के साइड बाई साइड बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करने के लिए होती हैं, जिसका हमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों करनी जरूरी होती है। डेल्टॉइड मसल्स शोल्डर की वो मसल्स होती है जो अपर पोर्शन में होती है, और जब भी हम अपने हाथों को शोल्डर लेवल से ऊपर ले जाने की कोशिश करते तो हमें डेल्टॉइड ही एक ऐसी मसल जो कि हमें सपोर्ट कर रही होती है ऊपर उठाने के लिए, डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस। लैटिसमस डॉर्सी जो हमारी आर्म के नीचे होती हैं, साइड विंग्स कहलाती हैं ये, और बॉडी को रोटेट कराने के लिए, सॉफ्ट और फास्ट कराने के लिए लैटिसमस डॉर्सी का स्ट्रेंथनिंग प्लस स्ट्रेचिंग करना जरूरी होता है। इलियोसोयस मसल्स, ये मसल्स हमारी हिप जॉइंट्स में होती हैं, हिप को रोटेट कराने के लिए, और ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं जिससे हमारी ये मूवमेंट फास्ट, सॉफ्ट और रिदमिक होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डिस्प्ले करूंगा जिससे आपको इस डिस्क्रिप्शन का अंदाजा हो जाएगा कि मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो हिप का कोऑर्डिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक को करने के लिए। अगर कहीं चूक हो जाती है कि हमारा टो मूव नहीं हो रहा है, खाली हिप से हम रोटेट करा के शोल्डर को रोटेट करा ले जाएंगे तो रिदमिक नहीं बनेगी मूवमेंट, मूवमेंट में फ्लो नहीं आएगा। टो के साथ हिप का, हिप के साथ शोल्डर का रोटेशन जरूरी है। फिर हाथों को साइड बाय साइड खोलते हैं, दोनों हाथों को साइड बाय साइड पैरेलल शोल्डर लेवल पर पैरेलल टू द ग्राउंड खोलते हैं, फिर टो हिप शोल्डर के साथ हाथों को स्विंग कराते हैं। ये देखिए, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है जिसके लिए इरेक्टर स्पाइनिक ग्रुप मसल्स इन्वॉल्व होती है, शोल्डर की रोटेशन को के लिए आपकी ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड मसल्स, लैटिसमस डॉर्सी इन्वॉल्व होती है, हिप को रोटेट कराने के लिए आपकी टो रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हिप रोटेट हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टो की रोटेशन है। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो कि इस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। शोल्डर ग्रिडल आपकी ट्रेपेजियस मसल्स, इरेक्टर स्पाइनिक ग्रुप, लोअर बैक सभी इसके अंदर स्ट्रेच हो रही हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी टेरिस मेजर माइनर, ट्रेपेजियस और इरेक्टर स्पाइनिक ग्रुप स्ट्रेच हो रही है। अनदर शोल्डर एक्सरसाइज जिसमें आपकी लैटिसमस डॉर्सी का अपर पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है, प्लस वो आर्म मसल्स और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स स्ट्रेच हो रही है इसके अंदर। तो ये वो मसल्स हैं, ये वो मूवमेंट है जिसके द्वारा फिगर ऑफ एट को डेवलप किया जाता है आसान तरीके से, सिस्टमेटिक वे तरीके से। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम आसान तरीके से इसको जो है आसानी से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्म सर्कलिंग, स्टैंडिंग पोजिशन। Player will stand in a standard standing position. Leg will be apart up to the shoulder level and body will be straight. Player एक standard standing position में खड़ा होता है, साम्यावस्था की अवस्था में खड़ा होता है,
जिसमें शोल्डर लेवल पर आपके पैर खुले होते हैं, प्लेयर्स के पैर खुले होते हैं और बॉडी स्ट्रेट होती है. मूवमेंट एनालिसिस, प्लेयर शुड स्ट्रेट हिज बोथ हैंड ओवर द हेड एंड मूव हिज हैंड फ्रॉम द शोल्डर ग्रिड इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्ट्रेट. बोथ आर्म मस्ट बी स्ट्रेट फ्रॉम द एल्बो एंड पाम विल बी रिलैक्स्ड फ्रॉम द रिस्ट. इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पैर शोल्डर पे खोल करके प्लेयर अपने दोनों हाथों को लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में रखता है, उस कंडीशन में हाथ स्ट्रेट होने चाहिए, एल्बो से रिस्ट से स्ट्रेट होने चाहिए और रिस्ट रिलैक्स होनी चाहिए. फिर इसे सर्कलिंग करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना और ऊपर से जो है फिर नीचे की तरफ बॉडी के सामने से घुमाते हुए ऊपर की तरफ फिर से लेकर के जाना. बॉडी से हाथ बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे और शोल्डर रिलैक्स होगा ताकि मूवमेंट फास्ट और सॉफ्ट हो सके. पॉइंट्स रिमेंबर, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको याद रखनी चाहिए ये मूवमेंट करते समय. बोथ आर्म विल बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स फ्रॉम द रिस्ट. दोनों ही हाथ रिलैक्स होने चाहिए, रिस्ट रिलैक्स होनी चाहिए. बोथ आर्म विल बी मूव इन सर्कुलर मोशन इन फ्रंट ऑफ द बॉडी. बॉडी के सामने, फ्रंट बॉडी के सामने दोनों हाथ सर्कुलर मोशन में मूव करने चाहिए. ये मूवमेंट तभी हो पाएगी जब शोल्डर रिलैक्स होंगे और एल्बो से स्ट्रेट होगा हाथ और रिस्ट रिलैक्स होगी. कुछ डेवलपमेंटल एक्सरसाइज इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए जरूरी होती हैं. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर से मूवमेंट अगर करनी है, पास करनी है, सॉफ्ट करनी है तो शोल्डर ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोअर बैक, इस मूवमेंट में बॉडी को स्टेबल करने के लिए लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है. अदरवाइज अगर हम लोअर बैक की मसल्स या इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप की मसल्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, उनके ऊपर उनकी स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम बॉडी पोस्चर्स को गलत तरीके से डेवलप कर देते हैं. या तो बॉडी झुक जाती है या बॉडी दाएं बाएं हो सकती है. तो उसको बॉडी पोस्चर को स्टेबल करने के लिए इन मसल्स का स्ट्रेंथनिंग प्लस स्ट्रेचिंग होना, स्ट्रेच्ड होना आवश्यक है. इन्वॉल्व मसल्स ग्रुप्स, डेल्टॉइड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको अपने हाथों को शोल्डर लेवल से ऊपर लेके जाने तो डेल्टॉइड मसल्स, स्टेफेजस मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होती है. इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप जो कि आपके बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करती है, बॉडी पोस्चर को सीधा रखने में हेल्पफुल होती है. स्कैपुलरिस जो कि शोल्डर मसल्स और टेपेजेस के नीचे स्कैपुला के ऊपर पाई जाती है और सर्कलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पेक्टोरिस मेजर जो कि आपके आपकी चेस्ट मसल्स होती है जो कि सर्कलिंग के टाइम पर हाथों को सीधा रखने में, हाथों को रिलैक्स रखने में हेल्पफुल होती है. इससे रिलेटेड आपकी जो वीडियोज हैं, ताकि आपको जो एनालिसिस और जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो आपको समझ में आ जाए. स्टैंडिंग पोजिशन, प्लेयर सीधा खड़ा होता है, शोल्डर लेवल पर पैर खुले होते हैं और दोनों आर्म्स को उठा करके एक साइड में, लेफ्ट साइड में लेके जाना होता है और शोल्डर रिलैक्स छोड़ना होता है, आर्म्स दोनों स्ट्रेट रखने होते हैं. ऊपर की तरफ घुमाते हुए दूसरी साइड में लेकर के आना, फिर नीचे से सर्कलिंग कराते हुए ऊपर की तरफ सर्कलिंग कराते हुए एक राउंड पूरा करना. ये मूवमेंट थोड़ा फास्ट करके दिखाना. ये मूवमेंट फास्ट तभी हो सकता है जबकि आपकी जो रिक्वायर्ड मसल्स हैं, रिक्वायर्ड एक्सरसाइज है, रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से करोगे तभी आप इस मूवमेंट को फास्ट और सॉफ्टली कर पाओगे. दिस इज द मूवमेंट ऑफ आर्म सर्कलिंग. नेक्स्ट इज योर एल्बो स्ट्राइक. स्टैंडिंग पोजिशन, प्लेयर विल स्टैंड इन ए स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन, लेग विल बी अपार्ट अप टू द शोल्डर लेवल एंड बॉडी विल बी स्ट्रेट. प्लेयर एक स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ा होता है, साम्यावस्था की अवस्था में खड़ा होता है, पैर जिसमें शोल्डर लेवल पे खुले होते हैं और बॉडी स्ट्रेट होती है. मूवमेंट एनालिसिस, मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए. बेंट आर्म एट एल्बो एंड फॉर्म अ फिस्ट, पाम साइड डाउन, स्ट्राइक विद अ फॉरवर्ड और साइडवर्ड थ्रस्ट ऑफ द एल्बो विद पावर रीचिंग इट्स पॉइंट. दोनों हाथों को एक साइड में लेकर के जाना होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड,
अगर हमने एल्बो स्ट्राइक लेफ्ट साइड करनी है तो हम इसे राइट साइड में दोनों हाथों को लेकर के जाएंगे और एक हाथ लेफ्ट हैंड का पंच बनाते हैं, राइट हैंड का पाम बनाते हैं। राइट हैंड के पाम से लेफ्ट हैंड के पंच के ऊपर प्रेस करते हैं और एल्बो लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में एल्बो को शोल्डर लेवल पर आगे की तरफ पुश करते हैं, जिसमें पावर जो है एल्बो पॉइंट्स के एल्बो की टिप के ऊपर होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि ध्यान रखे जाने योग्य हैं इस एक्सरसाइज को करने के टाइम पर, यदि आपका प्लेयर इस एक्सरसाइज को कर रहा है तो आपको बीइंग अ कोच इन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। एल्बो शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, एल्बो आपकी पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए शोल्डर लेवल पर। एल्बो शुड नॉट बी ओपन, एल्बो स्ट्राइक में एल्बो खुली नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से स्क्वीज होनी चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेच होनी चाहिए। डेवलपमेंटल एक्सरसाइज ऑफ द टेक्निक, स्टंट ट्रेनिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर की एक्सरसाइज करना, रिलेटेड मसल्स की एक्सरसाइज करना, पुशअप करना और चिनअप भी करना क्योंकि डेल्टॉइड इसके अंदर इन्वॉल्व है। अलरिस रिडलिस, अगर हम अपनी पंच पुशअप या फिंगर पुशअप या पाम पुशअप करते हैं तो हमारी ये फोरआर्म मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इस हैंड टेक्निक को करने के लिए इन एक्सरसाइजेस का और इस मूवमेंट का ध्यान रखा जाना जरूरी है। एल्बो स्ट्राइक के लिए आपकी एक वीडियोस मैं आपको आप डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिससे आपकी मूवमेंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। राइट साइड में दोनों हाथों को उठाया गया है, स्टैंडिंग पोजीशन में प्लेयर को खड़ा किया जाता है, दोनों पाम खुले रखे जाते हैं। फिर राइट हैंड का पाम बनाया जाता है और लेफ्ट हैंड का पंच बनाया जाता है और लेफ्ट हैंड के पंच के ऊपर नकल के ऊपर राइट हैंड के पाम को रखा जाता है, जैसे कि आपको इस वीडियोस में दिखाई पड़ रहा है। फिर लेफ्ट साइड में एल्बो से पुश किया जाता है, ये पुश इस तरह से किया जाना चाहिए कि पावर जो है एल्बो पॉइंट से शो हो। नेक्स्ट है आपका डाउनवर्ड स्ट्राइक फिस्ट आफ्टर अनदर, जिसको हम कुआ कुआई छुआन कहते हैं। ये हैंड टेक्निक आपकी नन ग्रुप की हैंड टेक्निक है जो कि विग्रस होती है, पावरफुल होती है, जर्की होती है। तो इस हैंड टेक्निक को करने के लिए जो हमारे नन ग्रुप के प्लेयर्स हैं, नन ग्रुप के कोचेस हैं, वो इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि इसके अंदर रिक्वायर्ड पावर हो और पावर एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जर के साथ अप्रोच की जाए। स्टैंडिंग पोजिशन, प्लेयर विल स्टैंड इन ए स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन, लेग विल बी अपार्ट अप टू द शोल्डर लेवल एंड बॉडी विल बी स्ट्रेट। प्लेयर इसमें स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ा होता है सबसे पहले, जिसमें घुटने पैर आपके शोल्डर लेवल पर खुले होते हैं और बॉडी स्ट्रेट होती है। मूवमेंट एनालिसिस, मूवमेंट को किस तरह से किया जाता है। द फिस्ट शैल स्ट्राइक डाउनवर्ड रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द पावर ऑफ द पंच शुड बी एक्सप्रेस्ड टू द लाइन ऑफ द फिस्ट एंड टू द बैक ऑफ द फिस्ट। Kuakwai Chuan, bend elbow slightly while striking the face down and off the motion. Power of the punch should be expressed to the face of the fist. इसमें समझने वाली बात यह है कि जब प्लेयर स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ा होता है उसके बाद फिर वो माबू पोजिशन में आता है, माबू पोजिशन के बाद वो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को राइट साइड में शोल्डर लेवल पर उठाता है और अपने लेफ्ट पंच से पंच के बैक साइड से नीचे की तरफ ऊपर उठाते हुए डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ खींचता है और पावर आपके उसके पंच के बैक साइड से पंच की लाइन में ही फिस्ट की लाइन में ही शो होती है, एक्सप्रेस होती है। इसके बाद जो सेकंड पंच है साइमल्टेनियसली वो पीछे से आता है और
जो फ्रंट फेस होता है पंच का, फिस्ट का फ्रंट फेस होता है, उससे पावर शो होती है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट कराते हुए उसको उसी डायरेक्शन में खींचता है जिस डायरेक्शन में हमने पहले लेफ्ट हैंड के पंच को खींचा था। इस कंडीशन में जब ये मूवमेंट हो रही होती है और हो चुकी होती है तो हमारा राइट हैंड का एल्बो स्लाइटली बेंड होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इस टेक्निक को करते समय ध्यान रखी जानी चाहिए। बॉडी शुड बी लीन, बॉडी शुड नॉट लीन फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग द पंच। जब हम इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, जब इस टेक्निक को हम विग्रेसली और पावरफुली करते हैं, तो हम अपने फिस्ट से, अपने हाथ से पंच को ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ सर्कलिंग मूवमेंट में घुमा करके लाने, पावरफुली लाने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में बॉडी कई बार जो होती है वो झुक जाती है। तो बीइंग अ कोच इस बात का ध्यान देना जरूरी है आपको कि जब प्लेयर इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा हो तो उससे पहले उसको पहले धीरे धीरे करवाया जाए ताकि उसकी बॉडी पोस्चर को उसको समझाया जा सके कि इस मूवमेंट में बॉडी पोस्चर नहीं झुकना है और पंच को इस सर्कुलर मोशन में लेकर के आना है। तो ये टेक्निक पहले स्लो करनी है, फिर स्लो करने के बाद धीरे धीरे इसको जो है फास्ट मूवमेंट में लेकर के आया जाता है। फिस्ट विल स्ट्राइक वन आफ्टर अनदर। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पंच की स्ट्राइक हो रही है, डाउनवर्ड स्ट्राइक हो रही है, वो एक के बाद एक कंटिन्यू हो, साइमल्टेनियस हो। ऐसा ना हो कि दोनों पंच एक साथ चल जाएं। कई बार बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे जब इस टेक्निक को कर रहे हो तो दोनों पंच एक साथ घुमा देते हैं। तो आप कोच होने के नाते आपको इस बात का ध्यान देना है कि पंच एक के बाद एक आए और जो डिस्क्राइब्ड मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग आए। डेवलपमेंटल एक्सरसाइज ऑफ द टेक्निक। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर स्ट्राइकिंग फिस्ट इन माबू एंड कुंगू। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे कि हम टेरा ट्यूब के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो दोनों हाथों में टेरा ट्यूब को पकड़ना है और माबू की पोजिशन बनाते हुए सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है जैसे कि ऊपर मूवमेंट एनालिसिस में आपको बताया गया है, और उसे टेरा ट्यूब की सहायता से पंचों को पंच लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के पंच को अप्लाई कराना है, डाउनवर्ड स्ट्राइक करानी है और ये मूवमेंट स्लो करानी है। धीरे धीरे ही उसके अंदर स्ट्रेंथ पावर डेवलप होगी, एक बार में पावर डेवलप नहीं होगी और रेगुलर ट्रेनिंग करने से ही ये मूवमेंट डेवलप हो पाएगी। रोप क्लाइंबिंग फॉर शोल्डर स्ट्रेंथनिंग। रोप क्लाइंबिंग इस मूवमेंट को करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, जिसके अंदर आपकी लैटिसमस डॉर्सी इन्वॉल्व होती है, फोर आर्म मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, हाथों की मसल्स होती है फोर आर्म मसल्स, लैटिसमस डॉर्सी आपकी विंग्स मसल्स होती हैं, और इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप आपकी स्पाइनल कॉर्ड की बॉडी पोस्चर्स को सीधा रखने के लिए इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इन्वॉल्व होती है। डेल्टॉयड शोल्डर मसल्स होती है जो कि शोल्डर के ऊपरी हिस्से पर होती हैं और पंच को डाउनवर्ड स्ट्राइक ऊपर से नीचे खींचने के लिए, नीचे से ऊपर खींचने के लिए डेल्टॉयड मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। पेक्टोरिस मेजर चेस्ट मसल्स होती है जो कि बॉडी पोस्चर्स को और पंच को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जर्क को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि आपकी थाई मसल्स होती हैं, पैरों को स्टांसेस को स्टेबिलिटी देने के लिए, मूवमेंट आगे पीछे ना हो जाए, बॉडी स्ट्रेट रहे, हिप बहुत ज़्यादा खुल ना जाए, तो उसके लिए क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स स्टेबिलिटी प्रदान करती है। एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स भी मसल्स, वो मसल्स है जो कि हमारे स्टांसेस को स्टेबिलिटी देती है। इस मसल, इस मूवमेंट का एक वीडियो आपके सामने है, इसमें माबू पोजीशन पे पहले लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे घुमाया गया है और राइट हैंड को ऊपर से नीचे लेकर के आया गया है। साइमल्टेनियस पंच निकाले गए हैं, राइट हैंड का पंच, फिर साइमल्टेनियस पंच। दिस इज द एक्चुअल टेक्निक ऑफ डाउनवर्ड स्ट्राइक फिस्ट आफ्टर वन अनदर। आपकी नेक्स्ट हैंड टेक्निक है अपरकट, जो कि आपकी नन ग्रुप की हैंड टेक्निक है, जिसको कि समझने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए और सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी
ये जरूरी है कि आप इसको सिस्टमैटिकली करें. स्टैंडिंग पोजिशन, प्लेयर विल स्टैंड इन अ स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन, लेग विल बी अपार्ट अप टू द शोल्डर लेवल एंड बॉडी विल बी स्ट्रेट. प्लेयर स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ा होता है, दोनों पैर शोल्डर लेवल पर खुलते हैं और बॉडी स्ट्रेट रहती है. मूवमेंट एनालिसिस, इस मूवमेंट को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेयर विल मेक द पोजिशन ऑफ कुंगू विद स्ट्रेट पंच ऑफ राइट हैंड एंड ब्लॉक द हेड विद लेफ्ट आर्म. सबसे पहले प्लेयर कुंगू पोजिशन में बैठता है, जिसमें स्ट्रेट पंच राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से अपने हेड को ब्लॉक करता है. सेकेंडली, ही विल मूव फॉरवर्ड विद राइट फुट एंड फ्रॉम देयर द ब्लो शुड बी डिलीवर इन एन अपवर्ड कर्व इन अ स्विंग विद राइट हैंड. सबसे पहले वो अपने राइट फुट को आगे की तरफ मूव कराता है और राइट हैंड से कर्व बनाते हुए पंच को आगे की तरफ स्लांट कंडीशन में आगे की तरफ खोलता है, जिसमें फोर्स जो है उसके थंब की साइड में होती है. और उसके बाद फिर वो पीछे से अपने लेफ्ट लेग को लेकर के आता है. इसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? बॉडी विल बी स्ट्रेट ड्यूरिंग अप्लाइंग द पंच. जब हम पंच को अप्लाई कर रहे होते हैं, प्लेयर पंच को अप्लाई कर रहा होता है, तो बॉडी को स्ट्रेट रखना जरूरी होता है. ड्यूरिंग मूवमेंट द लास्ट फुट विल नॉट टेक ओवर द फर्स्ट स्टेप. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए इस टेक्निक के अंदर खासतौर से, कि जब हम पहला स्टेप उठाते हैं और कर पोजिशन में मूवमेंट करते हैं पंच की, और पीछे जब सेकेंड लेफ्ट लेग आता है, तो वो पहले वाले फुट को ओवर क्रॉस ओवर नहीं करता है, टेक ओवर नहीं करता है. पंच शुड बी इन अ कर्व मोशन एंड स्लांट. जो अप्लाइंग पंच है वो कर्व मोशन में होता है और स्लांट होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है. ये एक्चुअल मूवमेंट है हमारे अपरकट की. डेवलपमेंटल एक्सरसाइज ऑफ दिस टेक्निक. इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. सेम जैसे कि हमने अपरकट में अपने कुआकवाई छुआन में किया था, वैसे ही हमने इसमें भी दोनों हाथों में टेरा ट्यूब पकड़ करके स्लांट कर पोजिशन में स्लांट मूवमेंट में पंच अप्लाई करने हैं, ताकि रेजिस्टेंस डेवलप हो, स्ट्रेंथ डेवलप हो. और इसको स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्लो करना है, ताकि धीरे धीरे डेवलपमेंट आए और सही डेवलपमेंट हो. हाफ स्क्वाट करना बहुत जरूरी है थाई मसल्स के लिए, लोअर बैक के लिए. वो मसल्स जो कि इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लैटिसमस डॉर्सी, इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप, डेल्टॉइड मसल्स, पेक्टोरिस मेजर, क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स, एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स. ये सारी मसल्स जो कि हमारे कुआकवाई छुआन में इन्वॉल्व हैं, वही सारी मसल्स हमारी अपरकट के मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती हैं. क्योंकि मूवमेंट बॉडी अपर पोर्शन को स्ट्रेट रखना होता है और बॉडी की स्विंग को भी प्रॉपर रखना होता है. हाथों की मूवमेंट शोल्डर लेवल से ऊपर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें डेल्टॉइड मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. पंच बहुत ज्यादा आगे पीछे ना जाए, इसके लिए पेक्टोरिस मेजर रिस्पॉन्सिबल होती है. हमारे कुंगफू स्टांस प्रॉपर तरीके से बने, स्टेबल बने, इसके लिए क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती है और अरेक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती है. सो दिस इज द एंड ऑफ माई टॉपिक. एक शेयरिंग रह गई, मैं आपको वो भी शेयर करना चाहता हूँ. इस मूवमेंट का एक वीडियो है जिसको कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे आपकी ये मूवमेंट पहले से विजिबल होगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. फिर से देखिए, राइट लेग को उठाया गया, फिर लेफ्ट लेग को पीछे लाए, लेफ्ट लेग को उठाया, फिर राइट लेग को लेकर के आए. लेकिन ये क्रॉस ओवर एक दूसरे को नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे. पंच कर्व पोजिशन में, कर्व मूवमेंट में और स्लांट पोजिशन पे होगा. तो दिस इज द एंड ऑफ माय टॉपिक, जो कि एक कोच के लिए इन बेसिक चीजों को जितना हम इजी समझते हैं, उतना ही इजी इसको डेवलप करने के लिए सिस्टमैटिक वे अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने प्लेयर्स को सही तरीके से उसके बेस को फॉर्म कर सकें. अगर एक बार बेस सही तरीके से डेवलप हो गया, तो हमें अपना इवेंट डेवलप करने में बहुत आसानी होती है.
तो बीइंग अ कोच मैं आप सभी को यही सजेस्ट करता हूं कि बेसिक के ऊपर ज्यादा ज्यादा काम करें. फर्दर इज देयर एनी क्वेरीज एनी डाउट रिलेटेड टू माय टॉपिक तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं सो दैट मैं आपको उस समय आपको अनम्यूट करके आपसे डिस्कस कर सकूं. हाँ सुमित. हाँ नमस्ते सर. नमस्ते सर. ये जो अपर कट आपने जो बताया था क्या इसमें है सो कुंबू स्टांस में ही चलना है क्या? बेसिकली ये कुंबू स्टांस का ही मूवमेंट होता है और फॉर्मेशन इसकी कुंबू स्टांस ही होती है लेकिन हम बेसिक डेवलप करने के लिए इसको माबू में भी प्रैक्टिस करा सकते हैं खड़े होकर के भी प्रैक्टिस करा सकते हैं लेकिन जब ये स्टांस जब ये मूवमेंट हो रही होती है तो कुंबू स्टांस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट. तो सर ये तो हैंड टेक्निक है ना? हैंड टेक्निक है लेकिन इसको परफॉर्म कर जब हम इसको इवेंट में करते हैं ना तो उसमें हैंड टेक्निक को करने के लिए हमें जो स्टांस होता है वो कुंबू स्टांस. कौन कौन सा कनेक्टिंग वो लेग टेक्निक होगा? लेग टेक्निक राइडिंग या कुंबू? नहीं नहीं ड्रैगन राइडिंग तो देखो कर सकते हैं ऑप्शनल इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम कुंबू स्टांस माबू स्टांस ड्रैगन राइडिंग स्टांस या कई बार खड़े होकर के भी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं लेकिन जगह अगर हम जब बेसिक की बात कर रहे हैं बेसिक फॉर्मेशन की बात करें तो जितने भी हमारे सब जूनियर जूनियर इवेंट्स है उसमें कुंबू स्टांस को ही अप्लाई किया गया है क्योंकि बेस ज्यादा होता है बेस ज्यादा बड़ा होता है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और आसानी से किया जा सकता है बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं. हाँ पूछो सर ये जो आपने जो इतना सा स्पेस दिया ये स्लाइड दिखाया अगर हम लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिल जाती तो अच्छी होती. हाँ श्योर अच्छा ये हम कल अपना का और आज का साई हेडक्वार्टर को हम इसको सबमिट करेंगे तो वहां से आपको जो हमारे सॉफ्ट कॉपी रिस्पांसिबल ऑफिसर्स हैं ये आपके आपके सेंटर्स में भेज देंगे मिल जाएगी आपको मिल जाएगी. थैंक यू. नेक्स्ट वन. एक क्वेश्चन आया है इन डाउनवर्ड स्ट्राइक द पावर शुड बी ऑन विच पॉइंट. डाउनवर्ड स्ट्राइक फिस्ट आफ्टर वन अनदर जिसमें एक पंच जो लेफ्ट हैंड का पंच है जो पहले मूव कर रहा है वो बैक ऑफ द फिस्ट पावर यहां से शो होगी और जो सेकंड पंच आ रहा है पीछे से उसके फ्रंट पोर्शन से पावर डिनोट होती है. हेलो फैजल. फैजल आर यू देयर? फैजल कैन यू हियर मी? सर आई कैन हियर यू सर. कैन यू? या प्लीज. फैजल यस आई कैन हियर यू. बताओ. सब बहुत बढ़िया सेशन है सर. थैंक यू. बहुत तो वर्थ है एक्चुअली स्पेशली ताउलु कोचेस और प्लेयर्स के लिए भी बहुत लाभदायक है सर. थैंक्स फॉर द सेशन. भाई ये कि इसको हम सभी कोचेस इसको फॉलो करें क्योंकि बेसिक के ऊपर हम अगर ज्यादा ज्यादा काम करेंगे तो ही हम अपने सब जूनियर जूनियर लेवल के बच्चों को सही तरीके से डेवलप कर पाएंगे. बिल्कुल सर ये बहुत ही रियली अप्रिशिएट द इनोवेशन.
थैंक यू फैदर। जबरदस्त तरीका था सर ये इम्प्लीमेंट करने का, हम लोग को घर बैठे ये सब जानकारी सबको मिल रही है, कुछ लोग को थोड़ी बहुत पता है उसमें क्लैरिटी मिल रही है, जिसको नहीं पता है वो जानकार। हाँ, जिसे नहीं पता है मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइम हमारे पास लिमिट है, स्लॉट एक घंटे का मिला हुआ है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप जितने लोग भी हैं अगर जिनका आंसर दे पा रहा हूँ मैं दूंगा, और जिसका नहीं दे पा रहा हूँ तो वो हमारी मेल आईडी में या चैट ग्रुप में, इसमें जो चैट है उसमें डाल दे और अपना मोबाइल नंबर डाल दे, तो मैं आपको मेल और व्हाट्सएप आपके आंसर्स को कर दूंगा। हाँ सर वो भी अच्छा आइडिया है सर, क्योंकि अभी सुमित ने भी बताया था सॉफ्ट कॉपी के लिए, वो भी हाँ सॉफ्ट कॉपी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब्दुल मुनीर ई, कैन यू हियर मी? अब्दुल मुनीर, सुजीत उमाई, सुजीत उमाई सर, आई एम शायजीत सर, शायजीत, या प्लीज। किसी ने एक आंसर क्वेश्चन पूछा है हमारे इसमें, सर फिगर ऑफ एट में लेग्स मूवमेंट टोज, लेग्स मूवमेंट्स टोज क्या साथ होगी? टो और हिप से लेकर के टोज तक हमारी लेग्स स्ट्रेट रहती है, और उस पूरी लेग्स को जो है हम हिप से रोटेट कराते हैं, और उस मूवमेंट को गवर्न करता है हमारा टो। तो सबसे पहले टो की मूवमेंट होती है, टो की मूवमेंट के बाद हम अपने एंकल से लेकर के हिप तक के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और खाली हिप की मूवमेंट को कराते हैं। Downward strike, the fist will come from up to down or from sideward? Nagesh, I have I got your questions. Basically, it's come from the downward to upward.
सुहेल सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, सर आपका वो आईडी नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ ज्वाइन किया हुआ करीब 170 लोगों ने सर ज्वाइन कर रखा है आज, कितने हो गए थे? हाँ सर 181 लोगों ने ज्वाइन किया सर। नहीं है सुनी तो सर नहीं, सो आवर सेशन इज गोइंग टू एंड। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स टू आवर वर्दी डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया and president of Wushu Association of India, who has given the chance to deliver my knowledge and share my knowledge to with you all people. So thank you so much. आगे भी हमें ऐसे ही chance मिलता रहेगा और जो कि हमारे game के लिए promotion के लिए बहुत अच्छा है। Thank you one and all.